लेके आते हैं तो सारी रात खड़े रहते हैं, सुबह जल दिया जाता है भोले बाबा को। मेरे गीत तक आप पहुंचे नहीं। मैंने ये कहा था कि सभी देवता दिन में पूजते, कि सभी देवता दिन में पूजते, रात में शेष त्रिभुति पुरार है। क्यों? क्योंकि आपने न दुर्गा रात्रि न ही सीता रात्रि कोई रात्रि नहीं सुनी होगी, लेकिन 12 महीना में 12 रात्रि आती, उनका नाम है शिवरात्रि। और क्या ऐसा कुछ हो तो बताएं। लेकिन आपका प्रयास अच्छा रहा, अच्छा लगा, आपने गीत गाया है, बहुत अच्छा गीत गाया आपने। कि एक दूजे के से गुजर जाना है, के बन के बन के लिपटा रहूंगा मैं करना तेरा, के बन के लिपटा रहूं मैं बन के कंगना तेरा, तब चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, आइए आपा गीत, आपा गीत कह रहा है बाल श्रृंगार कहीं पे बाल ये बवाल बने, बवाल बने। आपका गीत कह रहा है बाल श्रृंगार भी है कहीं बाल बवाल बन जाते हैं, लेकिन और उस बाल में बाल आपने दिखाए हैं सती माता के और भोले बाबा की जटा, ये बवाल बनी है, लेकिन एक बाल और बवाल बने हैं और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे बबलू भैया फौजी जी नंगला बरी वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बंधन है। जननी माँ सीता राम जी के साथ चली, देख चुनरी और मुदरी बाल के कई ने बात कही, कहा के सीता जैसे राम तपस्वी का भेष बना के जा रहा है और क्या, उसी तरह से तू भी तपस्वी बन के जा। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया नहीं, सीता तो इसी बाल इसी वस्त्र भूषण में जाएगी और वही वस्त्र भूषण में सारा लंका कांड हो गया, उसके बाद फिर से वन गमन हो गया, उसके बाद जब जगत जननी मैया सीता जब पृथ्वी में समाने लगी तब प्रभु श्री राम भागे। अरे हमारे पूजनी सम्मानी चाचा श्री मास्टर बेदराम जी की कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और ये 101 रुपए हमारे सम्मानी चाचा जी श्री हरि बाबू इसी गांव के निवासी 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है 101 रुपए से, सॉरी। जाति जल में
राम के हाथ में कुछ नहीं आया, केवल बाल बाल। और उसके बाद और ये हमारे सम्मानी छोटा भैया भूपेंद्र ग्राम बड़ा गांव उसके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंधन है। उसके बाद दूसरे बाल द्रौपदी ने जब अपने ऐसे बाल खोले देख कर बाल वहां ऐसे सब ही बोले। लेकिन वही क्योंकि द्रौपदी के बाल, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि ये बाल उसी दिन बंधेंगे जिस दिन की मौत हो जाएगी। बन गए बाल वो बवाल फिर भी बाल बने बाल के बाल और बाल हो बवाल बने। अरे हमारे सम्मानी श्री सुगर सिंह भैया कृपालपुर वालों की तरफ से काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है कृपालपुर वालों से। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है बंधन है, 101 रुपए का आशीर्वाद है। आइए भैया इधर से बहुत अच्छी बात कही हमारे सम्मानी बड़े भैया गोरेलाल जी ने कि एक गीत और एक कटपीत। आइए अपनी तरफ से एक बहुत सुंदर सा गीत है, लेकिन मेरे गीत के अंदर 7 सागे हैं और साथ साथ उसमें कहावतें भी लगी हैं। जरा गीत को देखें। चारों युगों में वही एक कहावत है जो चारों युगों में आके लगती मिलती जुलती है और चारों युगों में मुहावरे भी लगे हैं और कहावतें भी लगी हैं। प्रयास देखें और सत सत नमन है ऐसे गुरु को जिसने इस गीत में वो स्वरों की माला पुरोई है, वो शब्द पुरोए हैं। कोट कोट नमन करता हूं मैं उनको। जब सागर का मंथन हुआ देव और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया कि अमृत का पान पहले कौन करे, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जाकर के देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो सकता है धोखा जब असुर के मन में आया और देव रूप से वह अच्छे देवों की पंक्ति में आया। उसका नाम है राहु। देखिए गीत के अंदर और ये अंकित भैया की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है बंधन है। एक बजी बहुत अच्छी और दिन है ऐतबार के तेरे मेरे इकरार के नान 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 जान नान ध्यान मेरी तरफ ध्यान। एक कहावत आई अपना हाथ जगन्नाथ सोचता है अपने अपना हाथ जगन्नाथ सोच रहा है कि मैं अपने भाइयों का साथ तो छोड़ आया हूं
ये हमारे सम्मानित श्री डॉक्टर दिनेश सिंह जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हाल दिखाते के अभिनंदन है। छोड़ा साथी भाइयों का मन में मलाल है, सोचता है पापी अब पेट का सवाल मार दिया चक्र सुदर्शन से सर कट गया तो एक और पैदा हो गया केतु। तब कहा कि हे प्रभु होता काम घात का, आपने अच्छा नहीं किया, होता काम घात का पालन होता ना बात का। और एक कहावत है होता काम घात का पालन होता यहाँ बात का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो बात का। और ये 101 रुपए शिव कुमार सिरौली वालों की तरफ से, कुरौली वालों की तरफ से, कुरौली वालों की तरफ से, और 50 रुपए का आशीर्वाद भैया प्रवीण जी मैनपुरी वालों की तरफ से, और हमारे सम्मानी भैया सुनील गुप्ता जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है, हाथ दिखाते अभिनंदन है, बंधन है। तो काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात और हमारे सम्मानी श्री कशिश सिंह राठौर जो आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है जो चैनल के माध्यम से दर्शाया जाएगा उनके मालिक हैं, उनके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। उसके बाद त्रेता आया, बात कहावतें भी लगी है, मुहावरे भी लगे साथ साथ, पापी पेट का सवाल है। इधर देखिए त्रेता आया तब प्रभु श्री राम से बाली कहने लगा, राम चुप करके मारा मुझको मेरा कौन पाप है, और भाई नहीं ये मेरा आस्तीन का सांप, ये भाई नहीं है मेरा आस्तीन का सांप है। हमारे सम्मानित श्री ठाकुर शिषपाल सिंह हाजीपुर नेरा वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बाली कहने लगा, हे प्रभु राम आपने भाई से मित्रता कर ली, आपने भाई से मित्रता कर ली, हमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ आपने मुझे छुपके क्यों मारा। साथ दिया भाई का लगता है हमको या कुछ दाल में भी काला है, दाल में काला है। और भैया विपन नगला सकरी वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन। साथ एक भ्रात का, अरे साथ एक भ्रात का पद करते दूजे भ्रात का, लेकिन राम काम नहीं अच्छा होता पास में तो भात। सम्मानी भाई नीलम बड़ागा वालों की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का, और
उस त्रेता के बाद द्वापर आया जब, तब कर्ण ने कहा, क्या कहा, कि हे राजन कि पालन किया ना नपुने स्वयं अपनी बात का, कहते हो मुझसे तू है जाति का ना पात का, और तुम इस बात को कह रहे हो कि तू जात का ना पात का है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि कोई सवण आकर के मछली की आंख का भेदन कर दे, कोई और आके भेदन कर ले, आपने ये कहा था जो कोई आकर के मछली की आंख का भेदन करेगा, आपने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ध्यान रखना आपने मेरा अपमान किया है। तो कर्ण ने कहा, और हमारी सम्मानी सिस्टर बहन पंकज की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बंधन है। तब कर्ण ने कह दिया कि सुनो राजन, हुआ आज अपमानित तो भूल नहीं पाऊंगा, मौका पड़ा तो एक दिन ईंट से ईंट, ध्यान रखना, लेकिन तुम, तुम्हारी पूरी सवान दी है, मौका मिला तो एक दिन ईंट से ईंट बजाऊंगा। तब कहा कर्ण ने कि वीरों की जाति का, कि वीरों की जाति का और मान न सौर्य प्रताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में तो, बारी आई कलयुग की, जब कलयुग की बारी आई तब महोबा शकुनी मामा माहिल ने देखा कि महोबा से आला उधल को निकाल दिया, और क्या, पृथ्वीराज से कहा कि आ जाओ, पृथ्वीराज ने चढ़ाई कर दी महोबा पर, किसी भी तरह से पता पड़ गया आला उधल को, भेष छुपा करके आए और पृथ्वीराज चौहान को खदेड़ डाला। क्या बात है? जब खदेड़ डाला तब कहा कि मामा, कि दिल्ली की जीत हो यतन सब लगाते हो, महोबा हो संकट में तो घी के दिए जलाते हो, महोबा संकट में हो तो तुम घी के दीपक जला रहे हो, तो सुनो मामा, पाप करते हो जलज मन में खेद है, खाते हो जिस थाली में उसमें करते छेद हो, मामा तेरे पाप का मौका है पश्चाताप का, मामा काम नहीं अच्छा होता पाप में तो, सम्मानी भैया ठाकुर राजकुमार जी हाजीपुर नेरा वालों के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बंधन है। काम नहीं अच्छा होता पात में तो, और अपने तरफ से एक कट आया था, और
चुरिया चल जाए मेरी मतवाली जान, क्योंकि काफी समय हो गया, अब तो पता नहीं है क्या क्या चल रहा है, लेकिन समय क्योंकि उस समय मैं छोटा था तब ये गीत चलता था, लेकिन अब तो पता नहीं कहीं मुन्नी बदनाम हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये गीत आया सुरिया चल जाए मेरी मतवाली जान ने, ये रोजेदार भाई राजेश जी, गीत आप गा सको तो गाना, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ इस कटपीस पे ध्यान देना। सुग्रीव ने राम से कहा कि हे प्रभु राम, मेरे भाई ने मुझसे कह दिया था कि एक महीने तक तू मेरा इस यहाँ इंतजार करना, अगर मैं ना हूं एक महीने तक तो मुझे मरा समझना, और क्या। लेकिन जब मुझे एक माह हो गया बैठे बैठे वहां गुफा के गेट पर, तब क्या हुआ प्रभु श्री राम, क्या हुआ कि एक दिवस नहीं बाली निकले, एक माह बाली नहीं निकला, वही रक्त की धारा उस दरवाजे से रक्त बह के आया, तो मैंने ये समझा कि हमारा भाई मारा गया। तब कहा सुग्रीव ने कि एक माह बाली नहीं निकला, वही रक्त की धारा में हो गया नौ दो ग्यारह। लेकिन प्रभु कि पौबारा पहले थी प्रभु अब, कि पौबारा पहले थी प्रभु अब, बचे हैं मुंह पे वारा, और बजे हैं मुंह पे वारा वारा, मारा है प्रभु की बारे बचे ना नगद नौ, ना बारह बचे ना नौ नगद, मिला एक ईंट का, ये कुछ नहीं मिल पाया तो मेरी तो पत्नी भी चली गई, लेकिन आंकड़ा फंसा है मुझ में, हम में और हमारे भाई में आंकड़ा था, एक आंकड़ा फंसा था मुझ में प्रभु जी छत्तीस का, कैसे छत्तीस का आंकड़ा कैसे फंसा था प्रभु में, नौ दो ग्यारह हो गए, नौ दो ग्यारह, उसके बाद बारह, और बारह नौ नगद तेरह उधार, आंकड़ा बना जाकर के छत्तीस का, लेकिन प्रभु देखने में अंतर था बस उन्नीस और बीस का, इतना ही अंतर था, हम दोनों भाई हम सकल थे, इतना ही अंतर था, देखने में अंतर था बस उन्नीस और बीस का, मुझे तो बताता आप मैं
मासाब जी कुछ कह गए, थोड़ी सी लाइन में अपने आर्गन से निकाल के आइए, प्रयास करता हूँ। आप मांग कर रहे हो, आपकी मांग भर रहा हूँ कि हम कश्मीर की कली नरे बुनियाद हमारी कह दी है, हमारे राहुल भैया फोटोग्राफर जी उनके कर कमलों द्वारा किया हमारे का आशीर्वाद है, हाथ दिखा दे अभिनंदन है। हम कश्मीर की गली नरे बुनियाद हमारी कहती है, यह देश है वीर शहीदों का कुर्बानी की बू रहती है, और ऐसा ही नहीं ये हमारे उपेंद्र भैया डाकरे गढ़िया बदावर वालों की तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद है। दिन रात जुर्म इसकी खातिर सरकार हमारी सहती है, लेकिन हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती प्रताप सिंह ग्राम मधैयापुर वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है बंदा।